इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने आसपास के चीज़ों को या आप अपने घर को गूगल मैप में किस तरीके से ऐड करोगे। इसी तरीके से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिम या कोई फेमस जगह हो, आप बहुत ही आसानी से गूगल मैप में उसको ऐड कर सकते हो। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो चलिए इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने घर या कोई भी ऐसी फेमस जगह हो जिसको बहुत ही आसानी से हम गूगल मैप में ऐड करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। Shut up and sit down. अभी के टाइम में सभी आदमी के मोबाइल में गूगल मैप होता ही है, तो गूगल मैप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे फोटो वाले पे क्लिक करके अपना अकाउंट इसमें से सेटिंग कर लेंगे, जो भी अकाउंट से आपको इसको यूज करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ प्लस वाला जो आइकन देख रखे हैं इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ लिख रखा है एड प्लस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को, यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपना नाम ऐड कर सकते हैं, यहाँ कैटेगरी वगैरह यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आपको शॉपिंग है, सर्विस है, होटल लॉबी है, या इसमें से जो भी है आप इसमें से चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना लोकेशन डाल सकते हैं, जो भी आपका लोकेशन हो इसमें से डाल सकते हैं। यहाँ आप अपना होम एड्रेस का जो हावर्स है वो डाल सकते हैं। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ वेबसाइट, इसके बाद यहाँ ओपनिंग डेट और यहाँ पर एक फ़ोटो लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ राजा, इस तरीके से डाल देना। कैटेगरी चूज कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर कैटेगरी डाल देता हूँ होम स्टे। फिर मैं यहाँ पर होम स्टे डाल दिया हूँ, इस तरीके से आपको भी डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आपका घर कहाँ है, वो लोकेशन आपको इसमें से चूज कर लेना। इस तरीके से कर्सर लेके जाएंगे और जहाँ भी होगा आपको अपना घर का एड्रेस आपको इस तरीके से अपना घर पे लेके जाके इसको जो कर्सर है उसको आप ड्रॉप कर देंगे। इसे मैं इस तरीके से इसको छोटा कर देता हूँ यहाँ से, देखिए इस तरीके से। और मैं यहाँ पर देखिए, मैं बिहार आ गया हूँ और इस तरीके से आपको इस तरीके से इसको आपको जो मैप है इसको बड़ा कर देना है। इस तरीके से आपको बड़ा कर देना है, ठीक है। और बड़ा करने का जहाँ भी आपका होम होगा, घर होगा, उसको आपको इसमें से डाल देना है, इस पर कर्सर को ले जाके इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ इसको छोटा कर देता हूँ और मैं अपने घर का एड्रेस यहाँ ढूंढ लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ बिहार में आ गया हूँ, इस तरीके से आपको ढूंढ लेना है। जहाँ भी आपका घर होगा उस तरीके से आपको गूगल मैप में इस तरीके से ढूँढ लेना है। इस तरीके से हम यहाँ पर आ जाते हैं, इस तरीके से आ जाना है और जहाँ भी आपका घर होगा घर पे ले आके इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे। जैसे मेरा घर है यहाँ, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉप कर दूँगा। ऊपर ओके का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। यहाँ पर देखिए आपका ये है जो लोकेशन है वो आ चुका है। यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ वेबसाइट डाल देंगे, यहाँ पे इमेज है तो इमेज डाल देंगे। इस तरीके से इमेज पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी इमेज होगा इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ इस तरीके से फोल्डर में जाके जहाँ भी आपका होगा आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे होम आ चुका है। यहाँ पे आप एक से ज़्यादा को भी रख सकते हैं, ये डन वाला पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक से ज़्यादा को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ ओके हो गया है, एरो वाला पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये आपका सेंड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि ये आपका सेंड हो चुका है। जब आपका ये अप्रूव हो जाएगा तो ये वो आपको अप्रूवल में आपको मिल जाएगा। इसको देखने के लिए कि आपका जो अप्रूव हुआ है या पेंडिंग में है, तो इसको देखने के लिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। जैसे आप सेंड कर देते हैं तो आपका जो पेंडिंग में है या सेंड हुआ ही नहीं है, कोई गलती हो गया है तो, या अगर आपका सेंड हो गया है तो वो अप्रूव हुआ है या नहीं, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कंट्रीब्यूशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए कि मैं एक जो सेंड किया था तो उसमें मेरा 7986 व्यूज़ भी मिला हुआ है। इसके बाद वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो पिक वाला है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप एक ऑप्शन मिल जाता है अदर कंट्रीब्यूशन, यहाँ एडिट वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे यहाँ जो मैं अभी सेंड किया हूँ वो भी अप्रूव यहाँ पे हो गया है।
और मैं अभी जो एक सेंड किया हूँ अभी राजा के नाम से, वहाँ पे देख रहे हैं कि अप्रूव ये हो गया है। और मैं एक फ़ोटो भी डाला था यहाँ पे देख रहे हैं, इससे पहले मैं यहाँ पे 25 मार्च 2020 को मैं एक डाला हुआ था राजा जामा मस्जिद के नाम से, मैं ऐड किया था, तो वो ये भी यहाँ पे है। उसमें मेरा व्यूज़ मिला हुआ है 7986 व्यूज़, इस पर ओके कीजिएगा। तो आप अगर पिक वगैरह लगाते हैं तो आपको जो ऊपर वाला में पिक मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर जो राजा जामा मस्जिद के नाम से बनाया था तो ऐड किया था एड्रेस, तो वो यहाँ पे आपका शो कर रहा है। और यहाँ पे इसका रेटिंग भी देख रहे हैं कि 3.9 का रेटिंग भी मिला हुआ है। और जो भी यहाँ पे जो कमेंट वगैरह करता है वो आपको यहाँ पे ढेर सारा आदमी का यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा कमेंट आया हुआ है, आप सोच सकते हैं जब इतना जब लाइक मिला हुआ, तो इसको हम जैसे हम एडिट करना चाहते हैं राजा जामा मस्जिद को, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ सजेस्ट एंड एडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेंज नेम और अदर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए कि आ गया है राजा जामा मस्जिद। इसको हम इस तरीके से हम चाहे तो इस तरीके से हम चेंज भी कर सकते हैं, बट हमको नहीं चेंज करना है तो हम रहने देते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है चेंज वगैरह करने का। सो इस तरीके से आपका अगर पेंडिंग में रहेगा तो यहाँ अप्रूव जो लिखा गया है यहाँ आपका पेंडिंग में रहेगा। और मैं यहाँ देखिए पहले जो बना रखा था तो यहाँ पे अप्रूव हो चुका है, इसमें मेरा 7986 लाइक भी मिल चुका है। और मैं यहाँ पे एक जो इंजीनियर राजा के नाम से बनाया था अभी कुछ देर पहले, तो यहाँ पर देखिए नोट अप्लाइड हुआ, मतलब कुछ मिस्टेक हो गया था और मैं इसको सेंड कर देता तो अप्लाइड नहीं हो पाता, कहीं फंस गया था, तो इसको मैं दोबारा से अभी बनाया हूँ राजा के नाम से। तो देखिए ये यहाँ पर जो है अप्रूव हो चुका है। तो आप भी बनाइएगा तो आपको भी यहाँ पर जो है अप्रूव इस तरीके से मिल जाता है। अगर यहाँ पे कुछ रेटिंग वगैरह देना चाहते हैं, यहाँ पे कमेंट वगैरह करना चाहते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। इस तरीके से व्यू वगैरह देखने के लिए यहाँ पिक वाले पे क्लिक करेंगे और जो ही व्यू देता है उसको भी आप भी व्यू दे सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे पिक वाले पे क्लिक करके यहाँ पर देख रहे हैं एडिट वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिसको भी आप व्यू देना चाहते हैं उस पर उस वाले पे क्लिक कर लेंगे। जैसे मैं इस पर देना चाहता हूँ इस वाले पे क्लिक कर लेता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि 5 रेटिंग इसको देना चाहता हूँ, मैं इस पर ओके कर दूँगा। और यहाँ पर मैं आपको एक कमेंट लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुड इस तरीके से, और यहाँ पर आपको ऊपर में पोस्ट कर देना है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर पोस्ट हो जाता है, यहाँ पर देखिए ये पोस्ट हो चुका है। अगर कोई रिव्यू दे देता है जैसे यहाँ पे, तो ये रिव्यू वाला में यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ से आप इसको जो भी रिव्यू देता है, जो भी लाइक कमेंट करता है, वो आपको यहाँ पे शो करता है। आप इसको ना तो डिलीट कर सकते हैं और ना ही यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से यहाँ गूगल मैप में अपना घर डाल के, मंदिर मस्जिद को या ऐसी जो आकर्षक जगह वो डाल के आप अपने जो भी व्यूअर है उसको आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो।